हे गाइस, तो मैंने Z5 की एक मूवी देखी है आज, जिसका नाम है बंदा। ये मूवी वैसे तो थिएटर्स में भी रिलीज हुई है, लेकिन अब भाई ये मूवी हिंदी में ही Z5 पे अवेलेबल थी, तो मैंने सोचा इसी पे देख ली जाए। क्यों ही इतने ज़्यादा पैसे बर्बाद करने या फिर इतने पैसे लगाने जिस मूवी का मेरा उतना इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन सच बताऊँ, ये मूवी मुझे थिएटर में देखनी चाहिए थी यार, क्योंकि पर्सनली मुझे ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। काफ़ी ज़्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर थिएटर में देखता तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पसंद आती, क्योंकि फ़ोन पर मैंने ये मूवी देखी और मुझे फ़ोन पर भी पसंद आई है। तो ये बात की तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मैं ये मूवी थिएटर में देखता तो ज्यादा पसंद आती है। क्योंकि अगर मैं इसकी कहानी की बात करूँ ना, तो ये कहानी एक लॉयर की है जो कि एक बहुत बड़े ढोंगी बाबा के खिलाफ एक 16 साल की लड़की का केस लड़ता है, जो कि उस पे रेप का इल्जाम लगा देती है। और जिस तरह से पूरा कोर्टरूम ड्रामा चलता है ना, यही सब इस मूवी की कहानी है। और सच बताऊं, अगर ये सारी चीज़ें आप बड़े स्क्रीन पे अच्छे स्केल पे ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ देखोगे, डेफिनेटली आप ज़्यादा एंजॉय करोगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप ये मोबाइल या फिर लैपटॉप टीवी पे देखोगे तो। क्योंकि आप कुछ भी बोलो, लेकिन इन सारी चीज़ों पे हमारा कंसंट्रेशन उतना नहीं होता जितना हमारा ध्यान थिएटर में होता है। थिएटर में हम ज़्यादा अच्छे से मूवी देखते हैं, समझते हैं, और जो माहौल रहता है उसके कारण हमें मूवी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और ऐसा मेरा मानना है कि अगर आप ये मूवी थिएटर में देखोगे तो डेफिनेटली ज़्यादा इंजॉय करोगे। जहाँ तक बात है स्क्रीन प्ले की, स्क्रीन प्ले ठीक है, ज़्यादा टाइट नहीं रखा गया है। इस मूवी की स्टोरी में ऐसा स्कोप था कि स्क्रीन प्ले काफ़ी ज़्यादा टाइट रखा जाना चाहिए था, जिसके कारण इस मूवी की जो स्टोरी है वो हम पे काफ़ी अच्छा और गहरा इम्पैक्ट डाल पाती है। लेकिन इस मूवी का स्क्रीन पे उतना टाइट नहीं है, थोड़ा लूज है, जिसके कारण कई बार हमारा बीच बीच में इंटरेस्ट लूज होता है। लेकिन अल्टीमेटली जिस तरह का इम्पैक्ट इस मूवी को हम पे डालना चाहिए था, वो ये डाल पाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जहाँ तक बात है डायरेक्शन की, डायरेक्शन मुझे पसंद आया है, क्योंकि जिस तरह से डायरेक्टर ने सीन्स को पूरा चॉप किया है, साथ ही साथ जिस तरह से शुरू करके एंड किया है चीज़ों को, वो काफ़ी अच्छा था और सच में काफ़ी इम्पैक्टफुल था, जिसके कारण डायरेक्शन की तारीफ होनी चाहिए। तो डायरेक्टर का काम काफ़ी अच्छा है। BGM ठीक ठाक था, थोड़ा और बेटर हो सकता था, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक ही था। जहाँ तक बात है एक्टिंग की, सभी एक्टर्स का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, फिर चाहे आप किसी की बात करो। स्पेशली मनोज बाजपेयी ने जिस तरह से अपने कैरेक्टर को प्ले कराया ना, सच में मज़ा आ जाता है और उनको देखने में बहुत मज़ा आया यार इस पूरी मूवी में। उन्होंने इस मूवी में और साथ ही साथ अपने कैरेक्टर में जो जान डाली है ना, उसकी तारीफ बनती है। और सच में यार, उन्हीं ने इस मूवी में जो इन्हेंस करा है अपने परफॉर्मेंस से, वो कमाल का है। और सच में वो इस मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट है। इसी कारण से मेरी तरफ से ये मूवी रिकमेंडेड है, मुझे ये मूवी पसंद आई है और मुझे उम्मीद है कि अगर आप देखोगे आपको भी ये मूवी पसंद आएगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप नहीं देखोगे तो कुछ बहुत मेजर मिसिंग करने वाले हो, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप देखोगे तो आप डेफिनेटली इन्जॉय करोगे। और अगर आप लोगों ने ये मूवी देख ली तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।